नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के चलते देसी ट्विटर के नाम से मशहूर को ऐप प्रसिद्ध होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस ऐप के सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। यही नहीं, कई मंत्रियों और मशहूर हस्तियों ने इस ऐप के लिए साइन अप करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल इस ऐप का हिस्सा बन चुके हैं। उनके अलावा शिवराज सिंह चौहान, संबित पात्रा, डी के शिव कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर भी इस ऐप पर मौजूद हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक जब से भारत सरकार और ट्विटर के बीच का विवाद सार्वजनिक हुआ है, ऐप पर लोगों का आना तेज हो गया है। पिछले 2 से 3 दिनों में हर रोज 1 लाख से अधिक नए लोग ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि कुल डाउनलोड की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। ऐप को अप्रमेय राधा कृष्ण और मयंक विदावतका ने पिछले साल मार्च में डेवलप किया था। ट्विटर की ही तरह कूबी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप अलग अलग मुद्दों पर अपने व्यूज और ओपिनियन दे सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस ऐप में हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं का भी सपोर्ट किया गया है। फिलहाल कू में तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया और असमी का सपोर्ट मौजूद है। कू के को-फाउंडर के मुताबिक उनका फोकस है कि इसके लिए सिर्फ भारतीय सर्वर का ही इस्तेमाल किया जाए। यही नहीं, पीएम मोदी भी मन की बात में इस ऐप की तारीफ कर चुके हैं। रिपोर्ट, IPN।